नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ विपिन कुमार झा जी जुड़े हुए हैं, जो बिहार में पहली बार टर्की पालन शुरू किए हैं। नमस्कार विपिन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। सर, आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। जी मेरा नाम विपिन कुमार झा है, मैं पटना के परसा बाजार के निकट में एक गाँव है छतना, वहाँ पर मेरा समेकित पशुपालन और मत्स्य पालन का काम होता है। इस काम को मैं सन 2000 से कर रहा हूँ। पहले हमारे पास बकरी की सिर्फ फार्मिंग होती थी, ज्यों ज्यों समय बीतता गया तो उसमें मैंने कुछ कुछ नए नए चीज़ों को जोड़ता गया। बकरियों के साथ साथ मैंने मुर्गी को जोड़ा, फिर उसके बाद मछली को भी जोड़ा, और उसके साथ साथ अभी कुछ हंस भी है, कुछ टर्की भी है। छोटे छोटे बर्ड जो मनुष्यों के भोज्य पदार्थ में जो काम आने वाली जो बर्ड हैं या एनिमल हैं, उसको मैं फार्मिंग करना शुरू किया और उसको किसानों को मैं प्रशिक्षण देता हूं। इस काम को एक मॉडल बना करके मैं उनको दिखाता हूं और उसको वो देखते हैं, जानकारी लेते हैं। जानकारी प्राप्त करने के बाद जिनको जो अच्छा लगता है वो उसको वो फार्मिंग शुरू भी करते हैं। यही मेरा काम है और ये एक छोटा सा एक मेरे परिचय है। तो सर, आप जैसे बोले कि सन 2000 से आप फार्मिंग शुरू किए, तो सर फार्मिंग शुरू करने से पहले आप क्या काम करते थे? फार्मिंग शुरू करने से पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, और चूंकि घर से दूर और घर में माँ बाप का अकेला होने के कारण उन्हें छोड़कर जाने में भी मुझे समस्या होती थी और इतनी कमाई नहीं होती थी कि उनको भी अपने साथ रख सकें, जिसके वजह से मैंने एक आइडिया ढूंढ निकाला और प्रयास करता था कि कुछ ऐसा मिले कि जो मैं घर पे रहकर इस काम को करूं और अपने परिवार के साथ मैं एक जगह पर रहूं। क्योंकि प्राइवेट जॉब जितना टफ उस वक्त था उतना ही टफ आज भी है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, कि उनको बच्चे कोई बाहर जाते हैं तो परिवार के साथ बाहर रहना, और ज्यों ज्यों समय बीतता जाता महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और था अभी कुछ और है, जिस तरह से जैसी आमदनी थी वैसा खर्च होता था पहले भी, उसी तरह से आज भी है। इन सारी बातों को समझते हुए मैंने अपने ही कार्य में अपने ही घर के पास एक छोटा सा फार्म का शुरुआत किया। उससे मुझे सफलता मिली, धीरे धीरे कुछ परेशानियां भी हुई लेकिन उसे मैं अच्छी तरह से पार कर गया। तो अब उन सब चीज़ों को बड़े ही अब आसान लगने लगता है। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होती है, बाद में वह सामान्य हो जाता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारे एनिमल फार्मिंग करते हैं, तो सर टर्की फार्मिंग करने का कोई विशेष कारण? देखिए, एक विकल्प के तौर पर मैंने इसको आजमाया था। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में आप सुनते होंगे विगत 5-6 सालों से बीच बीच में बर्ड फ्लू का एक शिकायत आना शुरू हो गई। वैसे परिस्थिति में काफी लोग मुर्गे मुर्गियों से खाना परहेज कर लेते थे, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोगों को बर्ड के रूप में, चिकन के रूप में कुछ चाहिए उनको। तो उसी के एक विकल्प के तौर पर टर्की तो बिहार में बहुत पहले से पालन होता रहा है, लोग करते भी थे, लेकिन उसकी जो खास गुणवत्ता है उसकी पहचान लोगों ने नहीं किया है, इसको लोगों तक नहीं फैला पाए, लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण यह सिमट कर रह गया था। उन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यह बहुत ही शांत पक्षी है और किसी भी माहौल में यह रह लेती है, कुछ भी खा लेती है, जीवन यापन कर लेती है। मौसम का भी बहुत अत्यधिक इस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस कारण इसके मटन का जो टेस्ट है, काफ़ी लोगों ने इसको जब इसका स्वाद को इसके जायके के बारे में जब उन्होंने देखा, बनाया और उपयोग किया, तो उनको चिकन से ऊपर और मटन के समतुल्य, मटन से थोड़ा नीचे या उसके समतुल्य कहें, उनको इसमें फ्लेवर भी देखने को मिला। अच्छा। तो चूंकि कम जगह पर कम खर्च में और टर्की फार्मिंग एक विकल्प के तौर पर यदि किसान इसको करते हैं, तो अब धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है,
यह किसानों के एक अच्छा आमदनी का स्रोत बन सकता है। सर, जैसे कि सर आप बताया कि आपको इसका विशेष गुणवत्ता अच्छा लगा, तो सर हमें बताएंगे सर क्या विशेष गुणवत्ता वो है जो इससे फायदा मिलता है? सर देखिए, यह तो एक शांत है, शांत स्वभाव की होती है, कुछ भी खा लेती है। अमूमन जब आपके पास इसको खिलाने का नहीं हो तो चरने के लिए चारागाह के पास भी छोड़ देंगे, तो वहां से भी ये अपने भोजन को ये उपलब्ध करा लेती है। कीट पतंगे, कुछ हरी साग सब्जियां ये सब खाकर हैं, और जो आप के किचन वेस्ट का भी निकलता हो सामान उसको भी ये भक्षण कर लेती है। दूसरी एक और फायदा यह मिला कि जो किसान फिश का फार्मिंग करते हैं, मछली का तालाब रखे हुए हैं, पौंड रखे हुए हैं, उसके किनारे किनारे मेड़ बाड़ लगा करके, मतलब उसको घेराबंदी कर लें और उस किनारे किनारे टर्की को चारागाह के रूप में उपयोग करेंगे। इससे दो तरह के फायदे निकल कर आए हैं। एक तो है कि ये जब बांध पर चलती है तो इसके चलने से और इसके जो एक साथ झुंड में जब रहती है तो आवाज जिस तरह से ये निकालती है उसकी आवाज से मछलियों में हलचल होती है, मछलियां भी तेज भागती है, जो उसके शारीरिक वृद्धि का एक कारण बन गया। दूसरे, तालाब के किनारे स्नेक वगैरह जब आते हैं तो उनको भी यह मार देती है। स्नेक का यह दुश्मन है, सांप का। अच्छा, उसको यह दूर से खदेड़कर मार देती है उसको, उससे भी आपके मछली के छोटे छोटे जीरे को बच्चे को बचाव भी कर देती है, हलचल भी मचाती है। तालाब के किनारे किनारे बहुत सारे ऐसे जो कीट पतंगे होती हैं उसको भी यह भक्षण कर लेती है, खा लेती है। घास पत्तियां निकलती है उसको भी ये साफ करके रखती है। इस कारण से इसका इसकी गुणवत्ता को हमने परखा और इसको तालाब किनारे छोड़ते हैं। मैदानी भागों में भी इसको आप, या जंगली थोड़ी झाड़ी नुमा जगह है वहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं, वहां पर भी ये अच्छे से अपना चारा प्राप्त कर लेती है। इन सारे खूबियों को देखते हुए इसमें है कि एक विकल्प के रूप में मैंने इसको आजमाया भी और अभी तक अच्छा लग रहा है। सर, अगर कोई फार्मिंग करना चाहते हैं तो कितने बर्ड से शुरू करें, उनके लिए क्या फीड देनी पड़ती है, बीमारी कौन सी आती है, तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, कोई किसान इसकी जब शुरुआत करना चाहते हैं तो दो से चार जोड़े के रूप में ही शुरू करें और एडल्ट लें, इससे ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। और उससे अंडे की प्राप्ति होती है, उनके अंडे से वो चूजे को डेवलप करा लें। इनके चूजे को 2 माह तक ब्रूडिंग करने की आवश्यकता होती है। 2 माह में इनके चूजे लगभग 1 किलो से ऊपर हो जाएंगे और तब जाकर इनको आप थोड़ा थोड़ी थोड़ी आदत लगा दें शिकार करने का, घूमने चरने टहलने का। इस प्रकार से थोड़े बाहर को चारागाह में चर भी लेंगे और कुछ घर में उसको जो हम लोग पोल्ट्री का फीड खिलाते हैं वही फीड इसको 2 महीना तक हम लोग डाइट में देते हैं। 2 महीने के बाद इसको बिल्कुल साधारण डाइट, जो आपके यहाँ मतलब साधारण तरीके से उपलब्ध हो या सामान्य तरीके से उपलब्ध हो जाए उसे खिलाकर आप इसको पाल सकते हैं। यदि आपके पास चारागाह है या तालाब का किनारा है या झाड़ी नुमा कहीं मैदानी भाग है उसमें भी इसको 2-4 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, वहाँ से भी ये चारा उपलब्ध करा लेती है। जहाँ तक की बात हो गई इसमें बीमारियों की, चूंकि इसकी संख्या कम है और बीमारियां अभी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वर्ड है तो हम लोग जो पोल्ट्री में वैक्सीन देते हैं वो वैक्सीन इसको हम लोग 2 महीने के अंदर अंदर जो उसकी कोर्स होती है वो हम लोग करा देते हैं। अच्छा। तो और हल्की सी 4 से 5 दिनों तक एक एंटीबायोटिक का प्रयोग कर देते हैं, जो इसमें किसी प्रकार का संक्रमण इसके शरीर में जो भी होगा वो सब निकल जाता है। इस प्रकार से यदि वो किसान इसकी फार्मिंग करते हैं तो उनको काफ़ी कम रिस्क होगा, काफ़ी कम खर्च भी होगा और एक अच्छा फार्म उनका तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो सर ये बर्ड्स कितने दिन में तैयार हो जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, और इनके अंडे और मीट के क्या भाव मिलते हैं? टर्की का एक बर्ड जो है आपको 5 महीने में तैयार हो जाएगा, 4 से 5 महीने में ये तैयार हो जाते हैं मार्केट के लिए। उस वक्त इनका वजन 5 किलो, 4 से 5 किलो, 6 किलो तक होता है, जो बाजार में बड़े ही आसानी से बिक जाता है। इस साइज के टर्की का डिमांड ज़्यादा है। अब उसके बाद
सात से आठ महीने की उम्र जब होती है इसकी, तो इनके जो मादा है वो अंडे देना शुरू कर देती है। मेल भी इसका मैच्योर हो जाता है आठ महीने में, वो भी प्रजनन करके फिर वो अपना फर्टाइल एग निकाल सकते हैं। जिन किसान बंधु को इसकी ब्रीडिंग के लिए तैयार करना हो तो उसका जोड़ा बनाना होगा, दो मादा और एक नर का जोड़ा बनाए, क्योंकि यह ठंडा पक्षी है, यह ठंडे प्रदेश की पक्षी है। और इसका ये आप चाहेंगे मुर्गी मुर्गियों की तरह कि पांच मुर्गी पर एक मुर्गा डाले तो इसमें ये नहीं चलेगा, फिर अंडे में जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। आप इसको पेयर बनाकर यदि रखें तो ज़्यादा अच्छा है, या ज़्यादा से ज़्यादा दो मादा पर एक नर का संख्या आप रख सकते हैं, इसे ज़्यादा करने पर समस्या होती है। इस विधि से जितनी फीमेल हो उतनी मेल का संख्या रख लिया, या दो फीमेल पर एक मेल का संख्या बनाकर अपने फॉर्म में रख लें, और बाकी जो ज़्यादा मेल निकलते हैं उसको चार से पाँच महीने उम्र पर उसको मार्केटिंग के लिए, मटन के लिए उसको सेल कर दिया जाता है। बाजार में जो देसी मुर्गी का जो रेट है वही रेट इन टर्की का भी मिलता है। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ 350 रुपये से लेकर 450 रुपये किलो तक का वो बिक्री हो जाता है। यदि वो एडल्ट है, सुंदर है, पक्षी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो उसका रेट अच्छा मिल जाता है। क्योंकि यह अभी हर एक काउंटर पर नहीं मिलता है, और जो सिलेक्टेड जगह पर है जहाँ पर जो डिमांड करते हैं वहाँ पर इनको हम लोग सेल करते हैं। अभी जैसे अभी बीता, पिछले दो सप्ताह पहले बीता है क्रिसमस, क्रिसमस में अच्छी खासी इसकी डिमांड हुई थी। यहाँ पर जो इसके बारे में जान गए, जो मुझे भी जानते हैं, उन्होंने इसका डिमांड किया, तो मैंने उनके बीच में इसको रखा। उनके द्वारा काफ़ी लाइक किया गया, काफ़ी उन्होंने सराहना किया, और वह आगे भी इसकी कंजम्पशन करने की उन्होंने यह मूड बनाया है, और बोले कि हमें जब चाहिए तो मिल जाएगा। तो मैंने तो उनको वादा कर दिया है कि आपको जब भी आवश्यकता होगी आप हमसे संपर्क करेंगे, मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो इसकी मार्केट धीरे 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 बढ़ रही है, इसलिए किसान एक साथ 50-100 से नहीं शुरू करके दो से चार जोड़े से ही शुरुआत करें वो, और धीरे धीरे उनके इलाके में भी इसका लोग, इसके बारे में जब लोग जान जाएंगे, तब उनका जब मार्केट बन जाएगा, जितने दिनों में उनकी मार्केट बनेगी उतने दिनों में इनके टर्के टर्कियों की संख्या भी बड़ी हो जाएगी। तो इस बिहू से यदि किसान करेंगे तो उन्हें अधिक लाभान्वित होंगे, और आवेश में आकर ज़्यादा संख्या में ले आएँ और उनकी मार्केटिंग में समस्या होगी तो उनको नुकसान हो जाएगा। इसलिए इन कार्यों से किसान को हमेशा बचना होगा। समझ लीजिए सर, अगर कोई फार्मिंग कर रहा है शुरू शुरू में, तो सर उसके लिए उस ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, टर्की फार्मिंग की ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, थोड़ी सी जानकारी उनको रख लेनी होगी, जो कि दो चार घंटे का वो टाइम देंगे तो उनको मैं इसको विधिवत जानकारी दे भी देता हूँ। क्योंकि किसी भी फार्मिंग को कर रहे हैं तो आपका मौसम के अनुसार उस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, मौसम का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसकी उनको जानकारी होनी चाहिए। कुछ कुछ समस्याएं होती है, जैसे इसका बाल झड़ना और इसके सर पे काले काले फोले निकल आते हैं, उसका क्या वजह है, इनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त करना थोड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद इसकी वो फार्मिंग कर सकते हैं, करेंगे तो उनका जो पक्षी है वो अच्छा से बढ़ेगा, खूबसूरत होगा, तंदुरुस्त होगा, उसमें चमक बरकरार रहेगी, और जितना ज़्यादा वो चमकीली होगी उनको कीमत उतना अधिक मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि इसके विकल्प के तौर पर सिर्फ मटन के लिए नहीं, और भी तो उनके जैसे और भी किसान होंगे जो पालने के लिए ही डिमांड करेंगे कि मुझे भी रखना है, मुझे भी शौक है रखने के लिए। तो एक यह भी बहुत बड़ा बाजार है, यानी कि एक दूसरे को इसके इस काम से जोड़ने का या ब्रीडिंग के काम में लगाने का, तो उनका भी एक इस तरह का मार्केटिंग होगा। तो जो अच्छी अच्छी जो क्वालिटी की वर्ड होती है उसको लोग पालन करने वाले ज़्यादा डिमांड करते हैं, वो कीमत भी अधिक देते हैं। अब सोच लीजिए कि काटने वाला 350 रुपये किलो देगा और पालन करने वाला 450 रुपये किलो देगा, तो किन को बेचना ज़्यादा मुनाफेदार होगा? तो किसान उस तरह से जानकारी प्राप्त करके फार्म करेंगे तो उनका जानवर, उनका पशु अच्छा होगा, चिड़िया अच्छा होगा, दूसरे लोग लाइक करेंगे, अधिक कीमत में उसको खरीदेंगे, शौक से खरीदेंगे, उनका मुनाफा अच्छा होगा,
जानकारी रख लेने के बाद ये कर सकते हैं। अगर सर कोई किसान भाई टर्की फार्मिंग करना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे करेगा ट्रेनिंग के लिए? महीने में मैं 2 दिन का ट्रेनिंग देता हूँ, उसके लिए मैं उनसे किसानों से 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेता हूँ, जिसमें उनका चाय पानी नाश्ता कॉपी कलम ये सब का उनका व्यवस्था यहाँ होता है। ट्रेनिंग का कोई शुल्क नहीं होता है, वो अपने खर्चे से आएंगे यहाँ पर, जो पैसा देंगे उनका, जो दिन भर हमारा जो ट्रेनिंग चलता है 2 दिन का, उसमें टर्की नहीं, टर्की के साथ साथ गोट का भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, देसी मुर्गी देसी बकरी और देसी मछली, यह मेरा एक पैटर्न है जो मैं चलाता हूँ समेकित पशु एवं मत्स्य पालन का काम के रूप में, और इसी का मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूँ 2 दिन का। पूरा मॉडल लगा हुआ है और इस मॉडल को तैयार करके जब उनको मैं एक बार दिखा देता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग का जो समय है वो काफ़ी कम होता है, वैसे तो 4-5 दिनों में होता है, वो मैं कुछ दिखा दिखा करके इनको वो सारा पीरियड को शॉर्ट करके 2 दिन का, यानी कि 15 से 16 घंटे का क्लास में लगाता हूँ उनको। इसी बीच उनको चाय पानी नाश्ता का प्रबंध भी होता है, वो चाहें तो जब हमसे संपर्क कर लें, एक टीम बनती है 20-22 लोगों का, मैं एक साथ ट्रेनिंग में बुलाता हूँ, वो आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। धन्यवाद विपिन जी, आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और अच्छा सभी आपके व्यूअर्स के भी, जो आपको बड़े स्नेह से देखते हैं और प्यार देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, अच्छा लगा बात करके सर आपसे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।